वैदिक ज्योतिष में मुख्य रूप से नौ ग्रहों की मान्यता दी गई है, जिसमें राहु और केतु को छाया ग्रह, इसके बाद सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जो सात ग्रह हैं ये समय समय पर गोचर करते रहते हैं। गोचर के अंतर्गत दोस्तों देखा जाए, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दिया जाए तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये समय समय पर वक्री होते रहते हैं। अब वक्री का तात्पर्य क्या दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। जब ये पांच ग्रह वक्री होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, व्यक्ति के जीवन में क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जब ये पांच ग्रह वक्री होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव लेकर आते हैं। जब ग्रह वक्री होते हैं दोस्तों तो उस स्थिति में निर्भर करता है कि उनकी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में क्या है। यदि उनकी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, यदि उनकी स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ में यदि कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में ठीक नहीं है, उसके अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलने वाले हैं, तो कुछ मैं आपको उपाय बताऊंगा, उस उपाय को करके वक्री काल के वक्री अवस्था में आप ग्रहों से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की। जब भी आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हैं तो जैसा कि हम आपको विदित है, देवगुरु बृहस्पति धन के कारक है, संतान के कारक है, विस्तार के कारक है, धर्म के कारक है, संपदा के कारक है। इसके बाद सबसे ज्यादा सात्विक ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह, सौरमंडल में सबसे बड़े ग्रह जो है देवगुरु बृहस्पति है। इनको चंद्र कुंडली में देखा जाए तो धनु राशि और मीन राशि का इनको स्वामित्व प्राप्त है। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में अच्छे होते हैं तो आप समझिए कि कहते हैं कि अगर देवगुरु बृहस्पति मजबूत है कि आपके केंद्र में बैठ जाए, भाग्य भाव में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए, तो ऐसे स्थिति में आपको एक अच्छा जीवन दे सकते हैं, आपके जीवन से सभी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में अच्छे भाव में बैठकर और मजबूती से बैठे रहते हैं और वक्री अवस्था में आते हैं तो आप समझिए कि आपके जीवन में धन संपत्ति मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ ही देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि देवगुरु बृहस्पति धन के कारक है, संपदा के कारक है, मान सम्मान के कारक है, विद्या के कारक है, आध्यात्मिक ज्ञान के कारक है, गुरु है, शिक्षक है, तो इनका एक प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा पड़ता है। तो अगर ये अच्छी स्थिति में है आपको अच्छा परिणाम देते हैं, अगर इनकी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में ठीक नहीं है तो उस स्थिति में ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे व्यक्ति रोजगार शुरू करने जाते हैं, रोजगार शुरू करने से पहले ही वो हार मानकर बैठ जाते हैं। और बहुत जिनके जन्म कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी है तो ऐसे लोग रोजगार शुरू करते हैं, उसमें सफलता मिलती है, आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, आध्यात्मिक का प्रचार करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, सरकार से उनका जुड़ा हुआ अच्छा, तो सरकारी क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य कर जाते हैं, तो इस स्थिति में बहुत अच्छा कार्य करते हैं और बहुत अच्छे परिणाम इनको मिलता है। क्योंकि वक्री अवस्था में, जब ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो वह अपने आप में मजबूत हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी स्थिति और मजबूत हो जाती है और ताकतवर हो जाता है, तो आपको उसके हिसाब से और अच्छा परिणाम देता है। लेकिन निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में बैठा है। यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको अच्छा परिणाम देगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ है तो उसके हिसाब से वह आपको परिणाम देगा। अब अच्छा देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वह ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है और जिस भाव में बैठा हुआ है उसके स्वामी की स्थिति क्या है, क्या वह स्वयं के अपने घर में बैठा हुआ है। उसके बाद आपको देखना है किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, फिर नक्षत्र का राशि कौन है, नक्षत्र के स्वामी कौन है, वो आपको देखना पड़ेगा। जब वो स्थिति आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह ग्रह जो वक्री हो रहे हैं तो आपके लिए शुभता में वृद्धि करेंगे या तो आपके अशुभता में वृद्धि करेंगे। दोस्तों इसके बात करते हैं मंगल की। जैसा कि हम आपको बताते हैं दोस्तों, मंगल जो है सेनापति है। मंगल मेष लग्न कुंडली में देखा जाए तो मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामित्व रखते हैं और एक सेनापति पूर्व ग्रह है, इनको भूमिपुत्र कहा जाता है। यह जब भी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं और वक्री हो जाते हैं तो आपको भूमि में, शिक्षा के क्षेत्र में, शक्ति के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा वृद्धि कर देते हैं। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में इनकी स्थिति ठीक नहीं है तो कहीं कहीं बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती है। तो यदि आप जब आपकी जन्म कुंडली में ये वक्री होते हैं तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले आपको ग्रह का किस राशि में बैठे हुए हैं, इसके बाद किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, नक्षत्र स्वामी कौन है, जिस भाव में बैठे हुए भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, उसके अनुसार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यह ग्रह आपके लिए शुभ है या अशुभ है और वक्री अवस्था में इनको कैसा परिणाम मिलने वाला है। जैसा कि दोस्तों बुध की बात करते हैं, जब बुध का वक्री होता है दोस्तों और आपकी जन्म कुंडली में अच्छा होता है तो ऐसे लोगों को मीडिया फील्ड में,
बहुत ही अच्छा ज्यादा लाभ देखने को मिलता है मीडिया के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, अगर देखा जाए तो उनको लिखावट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छा इनको करते हुए देखा गया है। क्योंकि जो बुध है दोस्तों, बुध अपने जीवन में, अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। अगर इनकी स्थिति ठीक नहीं होती है तो ऐसे स्थिति में बहुत सारे जातकों को देखा जाता है कि त्वचा का रोग हो जाना, अगर आपका बुध अच्छे नहीं है तो आपकी बहन बेटी बुआ से अच्छे रिश्ते ना होना, ये बुध खराब होने के लक्षण है। यदि बुध आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं और जब बुध वक्री हो जाते हैं तो इन स्थितियों में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मीडिया के क्षेत्र में हो गए, व्यापार नौकरी के क्षेत्र में हो गए, लेखनी के क्षेत्र में हो गए, ये बहुत सारा अच्छा आपको रिस्पॉन्स दे देते हैं। लेकिन अगर आपकी वही बुध वक्री हो गए और बुध खराब है तो स्थिति में आपको उसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। बात करते हैं दोस्तों शुक्र, जैसा कि हम आपको विदित हैं शुक्र हमारे जन्म कुंडली में ऐश्वर्य के कारक होते हैं, और जब हमारे जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे होते हैं तो उस स्थिति में हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलता है। क्योंकि आज के जीवन में जो लग्जरियस लाइफ है सब शुक्र के अंतर्गत आती है, तो शुक्र यदि अच्छे होते हैं तो हमारा जीवन काफी हर्षोल्लास काफी अच्छा होता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे हैं, जैसा कि वृषभ राशि और इसके बाद इनका तुला राशि का आधिपत्य है, शुक्र का वृषभ राशि और तुला राशि का इनका आधिपत्य है, और जब यह खराब होते हैं धन भाव और सप्तम भाव, पार्टनर भाव, व्यापार का भाव, क्षेत्र का भाव, ये सब खराब हो जाता है। दूसरा भाव कुटुंब का भाव, अगर ये खराब हो जाते हैं तो कहीं कहीं हमारा इनसे इनसे एक बिखराव होना शुरू हो जाता है और इनसे हमें एक बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन यही शुक्र अच्छे हो जाते हैं तो हमारे वाड़ी हो गया, हमारा कुटुंब हो गया, हमारा धन हो गया, हमारा परिवार हो गया, हमारा व्यापार हो गया, बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और जब ये वक्री होते हैं, जब इनका वक्री अवस्था आता है और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, उस स्थिति में हमारे धन भाव के, हमारे वाड़ी भाव के, हमारे वाड़ी को, हमारे कुटुंब को, हमारे परिवार से रिलेशन को, पैतृक संपत्ति को, व्यापार से, समाज से, पत्नी से, ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाते हैं। लेकिन यदि हमारी जन्म कुंडली जब खराब होते हैं, इनकी स्थिति हमारी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं होती है, तब हमें इनसे अनुकूल प्रभाव देखने को नहीं मिलता, कहीं कहीं हमारे जीवन में तब सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इस स्थिति में जब शुक्र आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हों, अच्छे स्थिति में बैठे हुए, और जब वक्री होते हैं तो आप समझिए कि आपके जीवन में बहुत ही शुभता का प्रतीक है, ऐश्वर्य का, भोगविलास का, धन संपत्ति का, व्यापार में, पत्नी से, प्रेमिका से, बहुत ही अच्छे आपको लाभ मिलने वाले योग होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम शनिदेव की। जब जन्म कुंडली में शनिदेव वक्री होते हैं तो जैसा कि हम आपको विदित है, शनिदेव हमारी जन्म कुंडली के दसम भाव और एकादश भाव, जन्म कुंडली का 10 नंबर और 11 नंबर, 10 नंबर जो है मकर राशि है, 11 नंबर है कुंभ, मकर और कुंभ राशि में इनका अधिपति होता है। और जब भी हमारे जन्म कुंडली में अच्छे होते हैं, इनको कर्मफलदाता कहा जाता है, न्यायप्रिय कहा जाता है, न्यायाधीश कहा जाता है। ऐसा जब किसी व्यक्ति जन्म कुंडली में अगर शनिदेव अच्छे होते हैं और जब वक्री होते हैं तो उस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी शुभता देखने को मिलती है। जब किसी व्यक्ति जन्म कुंडली में शनि खराब हो जाते हैं तो उस स्थिति में देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत सारी मेहनत करता है, अथक प्रयास करता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है। तो शनि को अक्सर देखा गया है, कहते हैं कि शनि लेबर के कारक होते हैं, बहुत परिश्रम के कारक होते हैं। शनि के जितना कर्म कराते हैं, अब कर्म करते करते आपके जीवन में फल भी उतना ही देते हैं, फल देने में बहुत ज्यादा विलंब करते हैं। तो शनि का वक्री होना व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा लाभकारी होता है उस स्थिति में जब आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे स्थिति में हो। जब ग्रह आपकी जन्म कुंडली में मजबूत होते हैं उस स्थिति में आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलता है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों मैं आपको उपाय के बारे में बता दूं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का मैं आपको उपाय बताऊंगा। देवगुरु बृहस्पति जब भी आपकी जन्म कुंडली में अच्छे ना हो, उनसे आपको अच्छा परिणाम ना मिल रहा, आपको लग रहा है कि देवगुरु बृहस्पति से हमें कहीं कहीं कुछ दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो आपको विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्रनाम का स्तोत्र पाठ करने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ कि सभी नवग्रह जो है वो भगवान विष्णु के स्वरूप है, भगवान विष्णु के स्वरूप है। मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि अगर भगवान सूर्य को देखा जाए तो राम से रिलेट करते हैं, चंद्रमा को देखा जाए तो कृष्ण से रिलेट करते हैं, मंगल को देखा जाए तो नरसिंह से रिलेट करते हैं, इसके बाद बुध को देखा जाए तो भगवान बुद्ध से रिलेट करते हैं, बृहस्पति को देखा जाए तो वामन रूप से रिलेट करते हैं, शुक्र को देखा जाए तो परशुराम के अवतार से रिलेट करते हैं, इसके बाद राहु को देखा जाए तो वाराह अवतार से रिलेट करते हैं, इसके बाद केतु को देखा जाए तो मत्स्य अवतार से रिलेट करते हैं। तो नवग्रह भगवान विष्णु के रूप में है। यदि आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं तो आपकी कुंडली के नवग्रहों को वो ठीक करते हैं, बाकी इस बात कोई उपाय करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। फिर भी जन्म कुंडली में मंगल खराब है तो मंगल की स्थिति में आपको हनुमान जी का पाठ करना चाहिए,
हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एकदम स्पीड में नहीं जाना चाहिए, उच्चारण क्लियर होना चाहिए, उच्चारण समझ में आना चाहिए। हनुमान चालीसा को 2-3 मिनट का समय लेकर उच्चारण के साथ में उसका पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र खराब है तो आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के चरणों में 5 लाल फूल चढ़ाइए। ऐसा शुक्रवार करेंगे तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा शुभता देखने को मिलेगी। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध खराब है तो चिड़ियों को आप दाना डालिए तो आपके जीवन में बुध से जो समस्याएं मिले, बहन बेटियों से बुआ से रिश्ता अच्छा रखिए, उसमें से आपको बच्चों से अच्छा रिश्ता रखिए, किन्नरों को बुधवार के दिन कुछ आप दान करिए, इससे आपके जीवन में बुध का काफी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव खराब है तो आपको दशरथ के शनि स्त्रोत का आपको पाठ करना चाहिए जिससे शनिदेव का बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना।